दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पाचन चैप्टर, यही पढ़ रहे थे। पाचन चैप्टर में मनुष्य का पाचन चल रहा था। मनुष्य के पाचन का यह आखिरी लेक्चर है। कोमा लेक्चर है, आखिरी मतलब अब के बाद पाचन क्या हो जाएगा, खत्म। आज पाचन पूरा खत्म। उसके बाद अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे क्या करेंगे, श्वसन। क्या करेंगे? तो श्वसन की बात कल होगी, होगी कि नहीं। चलो आज का शुरू करते हैं। आज हम लोग कहाँ ले पढ़ चुके थे, तो हम लोग छोटी आप ले पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे कि नहीं। अगर आप लोग, अगर तुम लोग में भी अगर कोई वीडियो नहीं देखे हो या फिर किसी की क्लास छूट गया है, तो कहाँ पे जाकर सर्च करोगे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सर्च करना, उसका सारा वीडियो चढ़ाया हुआ है कि नहीं। तो चलो इसके पहले जहाँ पढ़े थे वहाँ एक बार रिवाइज मार लेते हैं। चलो देखो, हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे, मुख से। मुख को ऐसे कहाँ दिखाते, देखो अच्छा ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, इसको ऐसे करके मुंह दिखा दिए। और मुंह को फिर किससे जुड़ल था, ग्रास नली किससे जुड़ल था, किससे, अमाशय। फिर अमाशय किससे जुड़ल था, एन था। अच्छा, अमाशय और छोटी आंत के बीच में एक और कुछ था, बताओ क्या था, क्या था, अग्नाशय। फिर यही पे वार क्या था, यकृत। यकृत क्या बना रहा था, पीत बना रहा था। क्या बना रहा था, ये पीत बना के भेज किसके पास रहा था, पिता से। ये पिता से पीत को जमा करके रख लेता, कोई दिक्कत है। फिर छोटी हाथ यहाँ से जुड़ता है किसके, बड़ी हाथ से। किससे जुड़ता है, बड़ी हाथ से, कोई दिक्कत है। एक छोटा को नली से, इस नली को बोलते हैं सिकम की नली। कौन नली, कला से यही से शुरू होता है। कहा कहेगा छोटी आंत और बड़ी आंत कौन नली से जुड़ा होता है, सिकम की नली। कौन नली, सिकम। कौन, सिकम। सिक्का जानता है ना, उसमें मोल लगा देना, क्या हो जाएगा, बोलेगा छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में कौन सी नली होती है, सिकम की नली। भी एगो अंगली जैसा संरचना पाया जाता है, किसके जैसा, अंगली जैसन। किसके जैसन, अंगली जैसन। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स को मनुष्य में कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स के मनुष्य में कोई काम नहीं। जिसको शरीर में कोई काम नहीं रहता है उसको बोलते हैं अवशेषी अंग। कौन अंग बोलते हैं, अवशेष मतलब बच जाना। हाँ। मतलब ऐसा जकर की शरीर में आप कोई काम नहीं। जिसे में कान के लिए देख रहा है, ये भी शरीर के कौन अंग है, अवशेषी अंग है कि नहीं। हाँ। तो जिसका शरीर में कोई काम नहीं, ऐसे कई सारा अंग है, उसी प्रकार यहाँ पर एक बार पाया जाता है अपेंडिक्स। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स भी कौन अंग है, अवशेषी अंग। कौन अंग, अवशेषी अंग। मतलब इसका शरीर में कोई उपयोग नहीं रहा, इसका उपयोग कोई नहीं रहा। तो बोलो अच्छा, तो भगवान पागले नहीं होंगे देंगे, तो इसका उपयोग वैसे जीवों में होता है, वैसे सुनो, अपेंडिक्स का उपयोग वैसे जीवों में होता है जो घास फूस खाता है। क्या खाता है, घास फूस बिचाली सब जो खाता है उसमें किसका यूज होता है, अपेंडिक्स के। क्या हम लोग घास खाते हैं, हम लोग भूसा खाते हैं, तो बता इसका यूज कहाँ पे आएगा, गाय में। कहाँ पे आएगा, भैंस में आएगा कि नहीं। हाँ। बकरी में। तो जितना तुम जानवर देख रहा है जो घास फूस खाता है, सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन रहता है, लेकिन क्या हम लोग में उपयोगी है, तो बताओ एक बार, तुम लोग बता सकते हैं भगवान इसको हम लोग को दिया कायल थे, कोई बता सकता है। हाँ देखो, हम लोग का जो पूर्वज था वो ओरिजिनल में जानवर था कि नहीं। जब हम लोग का पूर्वज जब शुरुआत हुआ था, तो शुरुआत में की खाता था, घास फूस खाता था। क्या खाता था, आज ना हम लोग ऐसे चल रहे, पूर्वज मतलब जो बहुत पहले आया था कि नहीं। आज हम लोग ऐसे, पहले वो लोग भी पैर पर चलता था, चार गो है कि नहीं। धीरे धीरे अपडेट किया था, जैसे हो गए हैं, तो अब हम लोग घास खाना भले छोड़ गए, लेकिन हमारा पूर्वज खाता था कि नहीं, तो उसमें ही उपयोगी था कि नहीं। हाँ, तो इसमें ही उपयोगी था, लेकिन अब उपयोगी रहा, अभी उपयोगी नहीं रहा, इसलिए अब इसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। कौन अंग, तो पूछेगा पाचन तंत्र में कौन अवशेषी अंग पाया जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को काट कर निकाल भी दोगे तो दिक्कत है, शरीर के बाहरी अंग जिसका कोई उपयोग नहीं है उसको काट के निकाल भी देते हो तो दिक्कत है। जैसे हम लोग का बाल, बाल को काट को हटा देते को दिक्कत है, बिना बाल के आदमी जिंदा नहीं रहता है। हाँ। कान के ही पर्दा, इसको काट के हटा देंगे को दिक्कत है नहीं। ये सब अवशेषी अंग हुआ। उसी प्रकार के अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी की हटा देंगे को दिक्कत, तो बोले इसको हटाएंगे कहल, तो कई बार, कई
यहाँ पे घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? घाव कई कारण से होता है। जैसे तुम लोग खा लेता होगा, नींबू का बिच्चा गिल जाता होगा, गिल जाता है कि नहीं? सेब का बिच्चा गिल जाता है, गिल जाता है कि नहीं? तो कई प्रकार के बीज यहीं पे जाके अटक जाता है। क्या हो जाता है? अटक जाता है। वो आजकल ढेर दिन रहेगा, घाव बनाएगा कि नहीं? उसी प्रकार तुम लोग कस के बेल्ट बांधता है, बेल्ट बांधता है ना, अपेंडिक्स पाया यहाँ जाता है, ठीक है? कहे यहीं पे छोटी आता खत्म हो रहा है, यहाँ पे पाया जाता है। तो कस के जब तुम बेल्ट बांधेगा तो क्या हो जाएगा? चप जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इस कारण भी घाव हो सकता है। तो इसका घाव होने का कई कारण है। कौन कौन? कोई कस के बेल्ट बांध ले, या फिर उसमें कोई चीज आके अटक जाए तो क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा। जब ये घाव होता है तो दर्द देने लगता है, तो जिसको ऑपरेशन करके इसको काट के क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। इसको निकालने से हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे फिर अपेंडिक्स के बाद शुरू होता है बड़ी हाथ। कौन हाथ? ये बड़ी हाथ के भाग। कौन? अपेंडिक्स भी किसका भाग है? बड़ी हाथ। बड़ी हाथ जो रहता है एक गांठ जैसा रहता है। कैसा रहता है? कौन हाथ है? कौन हाथ है? बड़ी हाथ। एक बार जान लो, बड़ी हाथ साइज में छोटा होता है किसके तुलना में? छोटी हाथ के। छोटी हाथ बहुत लंबा था कि बहुत छोटा था? बहुत लंबा। लेकिन बड़ी हाथ छोटा होता है। क्या होता है? तो तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा, तो फिर जो बड़का बड़ा छोटा काहे बोले, जो छोटका वो बड़का काहे बोले? तो ये जो है ना पतला था। क्या था? पतला। तो जिसके कारण पतलका अगर इतने को रहेगा, आएगा मोटका इतना मोटा ही रहता। कितना मोटा? इतना मोटा। अब इतना मोटा एक को हाथ करेगा तो कौन बड़ा लगेगा देखे में? यही ला लगेगा कि नहीं? पतला नहीं है एकदम, इतना पतला। आई कितना लंबा रहेगा ढेर बड़ा लगेगा, लेकिन ये कितना मोटा है? इतना मोटा। तो ये ज्यादा बड़ा लगेगा कि ये बड़ा लगेगा? बड़ी हाथ। तो इसलिए कौन बड़ा, किसको बड़ा बोलते हैं? बड़ी हाथ को। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार के बड़ी हाथ गांठ जैसा रहता है। कैसा रहता है? दिखाई दे रहा है ना गांठ नियन? फिर यहाँ पर आके वो मिलता है मलाशय। क्या मिलता है? मलाशय। फल के बारे में बात करेंगे। फिर मलाशय के बाद मल द्वार। कौन द्वार? बस इतना ही अंग है। तो बताओ, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक नली पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बोलो, मलाशय कहते हैं। सिक्कम। क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक नली पाया जाता है, उस नली को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा होगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच के नली को किससे जुड़ा होता है? तो किससे जुड़ा होता है? सिक्कम से। किससे जुड़ा होता है? अब सिक्कम से जस्ट कौन जुड़ा रहता है? अपेंडिक्स। कौन जुड़ा रहता है? अपेंडिक्स। कुछ नहीं, एक प्रकार के नली अंगुली जैसा है। कैसा है? अंगुली जैसा। इसको हमारे शरीर में कोई उपयोग का है? अरे बोल रहे, लगता दो पहिया तू लोग चलिया चल रहा है। बोलो, इसका कोई हम लोग का शरीर में उपयोगी है? नहीं उपयोगी नहीं। इसलिए इसको कौन अंग बोलते हैं? कौन अंग? आपसे ऐसे अंग। कई बार घाव हो जाता है, जिसके कारण इसको किसके द्वारा क्या ऑपरेशन करके निकाला जाता है कि नहीं? तुम लोग के घर में भी सुना होगा कि फलना के अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो ले कि नहीं? तो उसका मतलब इसको काट के खाली क्या कर दिया? निकाल दिया। फिर अपेंडिक्स के बाद आता है बड़ी आंत। यही से बड़ी आंत शुरू हो जाता है, ठीक है? इसको बोलते हैं पहला भाग को अपेंडिक्स, और दूसरा भाग को बोलते हैं दूसरा को बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? पूछेगा बड़ी आंत के को भाग, तो बड़ी आंत के दो भाग। को भाग? शुरुआत में कौन? अपेंडिक्स। शुरुआत में कौन? जिसका कोई काम है नहीं। लेकिन दूसरा का कौन भाग? कोलोन। कोलोन गांठ नियन रहता है। कैसा रहता है? गांठ नियन। इसका एक के काम है मुख्यतः पानी को खींचना। पानी को खींचना। अच्छा, भोजन को कौन खींचता है? रुधिर खींचता है। छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग इलियम। कौन? इलियम। बताए थे ना कि भोजन को अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत। कौन करता है? तो पूछेगा पचे भोजन का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत यानी इलियम। अब पूछेगा पानी का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत। कौन आंत करता है? बड़ी आंत का कौन भाग? अरे बोलो रे, कौन भाग?
कोलन भाग, इसमें कोई पाचन उचन नहीं होता। तुम ही सोचो पाचन खत्म कहाँ हो गया था, छोटी आंत में तुम्हें पाचन होगा? तो पूछेगा बड़ी आंत में पाचन होती है कि नहीं, नहीं। पाचन में तो समझता है कि नहीं, हाँ। भोजन के पचना, भोजन के पचना। तो भोजन के पाचन होती है कि नहीं, नहीं, नहीं। तो इसमें सिर्फ एक काम, कौची पानी के अवशोषण। बोलेगा पानी को कौन चूसता है, कोलोन। कौन चूसता है पानी को, कौन चूसता है कोलोन, या फिर खाली बड़ी याद देगा, बड़ी याद मार दोगे ने, हाँ। फिर आगे देखो, इसमें दो रस निकलता है, क्यों निकलता है, एगो म्यूकस, एगो कुछ निकलता है। इसके पहले म्यूकस कहीं बताए थे आधे, कहा अच्छा, जो अपने ऊपर एक परत जमा रहता है, उसी नाम से एक यहाँ पर भी म्यूकस है। इन म्यूकस का काम है लेट्रिन को चिपचिपा बना देना। क्या कर देना, देखो अब तक जो खाना पच गया था, कुछ बच गया कि नहीं, हाँ। जो बच गया उसे बोलते हैं अपचा भोजन। क्या बोलते हैं, हाँ। हम लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं लेट्रिन, पैखाना, और क्या बोलता है, बाथरूम, ये सब बोलता है कि नहीं, हाँ। तो ये सब जो है अपचा भोजन है। कौन भोजन है, बायोलॉजी हमको क्या लिखता है, अपचा भोजन। कौन भोजन, हम लोग धारण की बोलते हैं लेट्रिन, पैखाना, बाथरूम, तो कुछ बोलेंगे समझ जाओगे ने, हाँ। तब जो बाथरूमा बच गया, बाथरूमा तो इसमें ढेर मात्रा में पानी था, हाँ। पनिया को कौन खींच लिया, कोलोन। कौन खींच लिया, और उसी समय इसमें एगो और चीज मिला देता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस का काम कुछ नहीं है, उसको लेट्रिन को चिपचिपा कर देना। क्या कर देना, अब बोले उसको चिपचिपा क्यों करता है, तो जिससे हमको बाथरूम करने में आसानी हो। क्या हो, कई बार तुम लोग केयर किया होगा कि जब म्यूकस की कमी आ जाता है तो बाथरूम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, होता है कि नहीं, कभी ऐसा हुआ है तो कहता कस के पानी पी, कहता है कि नहीं, हाँ। अरे डॉक्टरी वाला चीज है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, इसमें तुम लोग जो लगा रहा है कुल चुपचाप हो गया है, बाथरूम लेट्रिन। अब हम लोग पढ़ो बात, जो हमारा की पढ़ा रहा है, ये हमारा पैसा लल खाली है सब, हकीकत चीजा पढ़ा रही है। आज से बाथरूम अगर कड़ा रहे तो समझ लेना उसमें क्या चीज की कमी है, पानी की कमी, म्यूकस की कमी। किसकी कमी, सबसे ज्यादा म्यूकस की कमी किसमें होता पता है, कुत्ता में। किसमें, तो बेचारा को है बाथरूम करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ए, तुम लोग है, हम लोग बच्चा में खेलते थे, जब कुत्ता बाथरूम करते रहता था ना, ऐसे पकड़ के ऐसा कर लेते थे, ऐसा करने से होता था, हम लोग को मानना था कि उसका बाथरूम होबे नहीं करेगा, कि नहीं होगा। यहाँ हम लोग को पता नहीं था कि दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत उसका कहाँ था, म्यूकस में। कहाँ दिक्कत था, तुम लोग खेला है कि ना, कोई से किया है रे, लड़की सब नहीं की होगी, लड़की सब जो रहती है ना गाना गोटी फलना चिल्लम काम चला लेते, हम लोग ने तो फानी, अच्छा ऐसे करता ना ऐसे, देखो चलो देखो, तो उसको बाथरूम करने दिक्कत होता है कि ना, हम लोग जब बोलते थे तो कुत्ता के में होता, किस में होता है, तो बताओ तुमने भी अगर म्यूकस की कमी हो जाए तो बताओ बाथरूम करने में दिक्कत होगा कि नहीं, इसका एक ही इलाज है, जैसा नहीं पानी खींचता वैसा नहीं म्यूकस देता है, तो तुम ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा पानी खींचेगा, तो ज्यादा म्यूकस की होगा छोड़ेगा, कोई दिक्कत है, इसलिए पानी ज्यादा पियो। आगे चिपचिपा कौन लाता है, यही कारण है कि देखता होगा कचका बाथरूम बच्चा रहता होगा पिल सना करता है, करता है कि नहीं, हाँ। तो किसके कारण करता है, म्यूकस के कारण, जहां म्यूकस जाता है सुख, म्यूकस जाता है सुख, तो कहता सुखल कुछ चंदा नहीं कहता है, आ देखो अब बचपन हमको यही सब कुछ सिखाइबे किया था, हम की करें बता, आगे देखो एक चीज म्यूकस मिल गया, अब दूसरा क्या आता है, बेल रूबन, कथी बेलूरूबिन, दूसरा क्या आता है, दिल रूबिन, क्या आता है, दूसरा क्या आता है, दिल रूबिन, इसका काम कुछ नहीं है, तुम कुछ खाओ कुछ हो, इसमें एक रंग मिला देगा, क्या कर देगा, पीला कलर का, कौन कलर के, जिसके कारण बाथरूम का रंग कैसा हो जाता है, लगभग जानवर वाला पढ़ा रही है, देखो जो जो जो, जो छीछी कर रही है ना, तू पक्का तीन चार बुतरू का डेली साफ करती होगी, और अभी नहीं कर रही है ना तो मेरा सराफ भविष्य में करेगी, ज्यादा छीछी मत करो कोई चीज के, जिससे तुम भागोगे दुनिया में, जिस चीज से तुम भागो एक दिन वो रपेट रपेट के मारेगा, जैसे में
आज तुम पढ़ाई से भागोगे, कल तुमको पढ़ाई तुमको बहुत याद आएगा। आज तुम है कोई खेला नहीं खेलोगे तो बाद में याद आएगा कि हम खेलने रहती है। उसी प्रकार आज तुम बाथरूमा को छीछी कर रही है ना, ये तुम सोच लेना एक दिन पक्का तुमको याद दिला देगा। बात हुई है कि नहीं? आगे देखो बिलरुबिन को चिन्ह लू, बिलरुबिन का एक एक काम बाथरूम को कैसन कर देना, पीला कर देना। कैसन कर देना? पीला। चाहे तुम खाओ रोटी चाहे उज्जर रंग के खाओ भात, है कि नहीं? चाहे पीला रंग के रोटी चाहे उज्जर रंग के चाहे हरियर रंग के साग, लेकिन बाथरूम के एक रंग कैसन? पीला। तो मतलब कोई उसमें कलर मिला मिला होगा तब ने। अरे अंतिम क्लास आए तो हंस के पढ़ लो, कितने अच्छे तरह लगा देगा कि नहीं? तो सबको पीला करे वाला के बिलरुबिन कौची। अब हरमिया कई बार जो होता है हरमिया कई बार बिलरुबिन बढ़ जाता है, क्यों हो जाता है? तो पूरा शरीर में पीला कर देता, आँखियों पीला, हाथों पीला, सगरों पीला। तो जिसको कहते हैं जोंडिस, की कहते हैं? तो किसकी मात्रा बढ़ जाने से हमको जोंडिस हो जाता है? तो डॉक्टर भाई से कर तू तो हर जोंडिस हो गलो है तो जी अकोन है। ऐसे नमक तेल हरदी प्याज खाए ले बंद कर रहा, सादा सादा चीज खा, कहता है कि ना? तो ये सब किसकी मात्रा बढ़ जाने से? बिलरुबिन। किसकी मात्रा से? बिलरुबिन। तो बड़ी आत भी हो गया खत्म, बड़ी आत भी की हो गया। सुनो पहले नुनू, छोटी आत में जितना खाना पचल था उसको अवशोषित कर लिया एक बार में, वो अवशोषित केल का सिकम नली द्वारा किसके पास भेज देता है? बड़ी आत। बड़ी आत में अगर तुम लोग जानवर रहता तो अपेंडिक्स एक रस छोड़ता, लेकिन तुम जानवर होने तो अपेंडिक्स के कोई काम हुआ? डायरेक्ट चल जाता किसके पास? कोलोन के पास। किसके पास? कोलोन कुछ नहीं करता, उससे पानी कुल क्या कर लेता है? खींच लेता, साथ ही साथ एक चीज छोड़ देता है जिसे क्या बोलते हैं? म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। क्या कर देता है? चिपचिपा कर देता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर इसमें पीला पदार्थ छोड़ा जाता है जिसे बोलते हैं बिलरुबिन। क्या बोलते हैं? बिलरुबिन। ये बिलरुबिन कुछ नहीं करता, बाथरूम को क्या कर देता है? पीला। इसकी मात्रा बढ़ जाने से कौन सी रोग होती है? जॉन्डिस। फिर अब बाथरूम तैयार हो गया, पूरा पीला हो गया, बाथरूम तैयार हो गया। अभी बाथरूम जब जितना घर में कचरा तैयार हो जाता है उसके लिए वो कचरा वाला बॉक्स रखते हो कि नहीं? अरे कोई अटैची रखता है, कोई क्या वो बाल्टी रखता है, फलना चिल्ला रखे रखता है कि नहीं? उसी प्रकार हमारे पेटों में क्या वो होगा कि नहीं कचरा रखे वाला? हमारे पेटा में कचरा रखेला, हम लोग के कचरा के बाथरूम आए, हम लोग के पेटा में बाथरूम के रखे वाला बनल है मलास है, कौची बनल है? उसी को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में रेक्टम, हिंदी में मलास, हिंदी में मलास है। नाम कितना बढ़िया है, समझ रहे हो? मलाई जोड़ सय, मलास सय, नाम बड़ी बढ़िया है कि नहीं? तो पूछेगा नुनू ए पूरा शरीर का डस्टबिन किसे कहते हैं? डस्टबिन मतलब जहाँ कचरा जमा होता है, मलाशय। क्या होता है? फिर जितना भी कचरा वाला रहता है उसको निकालने वाला एक नली जाता है कि नहीं? जब उसको भर जाता तो उसके द्वारा निकालते हो कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग के भी बाथरूम निकालने की एक नली होती है जो कि जब भरला पर उसको निकालते है कि नहीं? इस प्रकार हो गया हमारा पूरा पाचन खत्म। अब इससे एक दो रोग आ जाता है, क्या आ जाता है? पहला एगो आंदोलन में बड़ी आंख चल जाता है, कौन चल जाता है? अब बड़ी आंख आंदोलन में चल जाएगा तो कौची का अवशोषण नहीं करेगा, बताओ तो? पानी का। क्या के? पानी के। कौची के? इस प्रकार के रोग को कहते हैं हैजा या कोलरा। क्या कहते हैं? जब बड़ी आंख पानी को चूसना बंद कर दे तो इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं? यह बहुत ही डेंजर रोग है, यह बहुत ही डेंजर। इस रोग में क्या होता है, अब पानी चुसेबे नहीं करेगा तो बताओ बाथरूम कैसन होगा? छेर पका जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो ने? मतलब जब पानी नहीं चुसाता तो इसको बोलते हैं लूज मोशन। कौन मोशन होता है कि नहीं? तो लूज मोशन एक छोटा चीज है, लेकिन अगर जब तो लूज मोशन किसी कारण बस होता है ना, लूज मोशन किसी कारण बस, लेकिन ये जो कौन है हैजा या कोलरा इसी में किसके काम नहीं कर रहा है? बढ़िया। अब एक दिन चूसेगा पानी नहीं चूसेगा तो जानता है एक दिन में 20-25 बार बाथरूम होता है, को बार 20-25 बार, लगातार 8 से 10 दिन में आदमी की क्या हो जाती है मृत्यु। किसके कारण?
अब शरीर में पानी बचेगा? 20-25 बार जाओगे हदम हदम पानी निकलोगे। यहाँ पानी चूस रहा था लेकिन अगर पानी कोई निकल जाएगा तो बताओ बच पाओगे? नहीं। तुम लोग को बता देते अगर तुम्हारा शरीर में 1% पानी कमता है को परसेंट तो तुमको प्यास लग जाता है। क्या लग जाता है? 3-5% कमता है तो तराश जाते हो। क्या हो जाते हो? तरासल समझते हो? जो घाट 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 पानी पीता है कि नहीं? जहाँ 10% कम गया को परसेंट तो फिर हो जाता है राम राम सबके यही है कि नहीं? हाँ। कोई दिक्कत है? तो को परसेंट पानी कम जाता है 10% या पानी का हाइजा रूम। अब हाइजा पर कंट्रोल कर लिया गया। पहले कोई एग्जांपल भी देता था कि तुरा हाइजा उठा लो कहता था कि नहीं? कहे कि पहले के समय में हाइजा रोग बहुत ही डेंजर रोग था, इसका कोई इलाज उलाज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एडवांस हुआ तो हाइजा रोग के इलाज मिल गया। लेकिन अभी हम लोग तुम लोग के ले जाएगा है कि नहीं? फिर एक और एक बीमारी आती है रेक्टम में। किसमें आती है? रेक्टम या मलाशय। तुम ही लोग बताओ नुनू कहते का ऐसा आदत रहता होगा कि सुबह शाम बाथरूम नहीं करेंगे। जखने मन किया एक दिन बाद दो दिन बाद इसमें भी कहते होता आदमी कि नहीं? हाँ? हाँ? तो उसमें देखो प्रॉब्लम की है। तुम ही लोग बताओ घर वाला कचरा के गे नुनू घर वाला कचरा के रेगुलर नहीं फेंकोगे तो उसमें कीड़ा होगा कि नहीं? आए? उसी प्रकार पेट वाला कीड़ा के पेट वाला कचरा के रेगुलर नहीं फेंकोगे तो उसमें भी कीड़ा होगा कि नहीं? तो वो कीड़ा जो करता है किसको खराब कर देगा? अगर घर वाला कचरा डिब्बा को खराब करेगा डिब्बा गमकेगा। उसी प्रकार ये टाइम पर बाथरूम नहीं करते हैं कि मलाशय को खराब कर देता है। किसको खराब कर देता है? मलाशय के दीवार पर गांठ गांठ बन जाता है। क्या बन जाता है? अभी गांठ गांठ कुछ नहीं मिनू तुम भोजन लिया ग्रास न लिया मलाशय छोटी आत बड़ी आत यहाँ ले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसी इसमें आता है अब हवा में तुम इस पर और दबाव दोगे तो दर्द देगा कि नहीं? तो जैसी इस रोग को पहले क्या बोलते हैं जान लो। जैसी गांठ गांठ बनता है तो इस रोग को बोलते हैं बवासीर। क्या बोलते हैं? नाम का तो यह सुना होगा बवासीर। सुना है कि नहीं? कि बवासीर रोग कुछ नहीं है अमाशय में क्या हो जाता है घाव। क्या हो जाता है? अमाशय में सॉरी मलाशय में। किसमें? मलाशय में घाव हो जाने को क्या कहते हैं? बवासीर। क्या कहते हैं? बवासीर। बवासीर में कुछ नहीं होता। इसके बाद सुनो इसको आप बताओ इसमें आएगा तो दर्द देगा कि नहीं? तो जब जब बाथरूम करके बारी आता है तो बवासीर घड़ी बहुत दर्द देता है। तो इसलिए नुनू समय समय पर क्या करो अपने आप को कचरा को बाहर निकालो। कचरा को बाहर निकालो नहीं तो हो जाएगा कौची बवासीर। तो आराम से फिर अभी जो है बाप माई चिल्लाते रहना कोई बचावे वाला नहीं है। तो बोलो कोई दिक्कत है? तो बाबा सिर नहीं क्या बाबा सिर कौन सी? देखो तुम लोग मजाक ज्यादा कर रहे हो। तो ओए हो गया चैप्टर खत्म। जितना रोग बलाई था सब खत्म। रोग बलाई जितना था सब शुरू से एक बार स्टार्ट कर दें। कहाँ से शुरू करें? आमाशय से कि बड़ी आज से कि अजका से कि शुरू दिनाला से? शुरू दिनाला से। तो उससे पहले और जो पढ़ावे को उसको खत्म कर देते हैं कि नहीं? एक टॉपिक आता है आहार नाल। क्या आता है? आहार नाल किसको बोलते हैं? तो आहार नाल कुछ नहीं नुनू जहाँ से आहार शुरू हो गए। जहाँ से आहार नाल मतलब नल्ली। नाल मतलब मतलब खाना के नल्ली। तो देखो तो यहाँ से नल्ली शुरू हुआ है कि नहीं? यहाँ नल्ली हल्का पतला हो गया फिर नल्ली क्या हो गया मोटा फिर हो गया पतला फिर क्या हो गया मोटा फिर यहाँ पर आ गया वो घौदा जहाँ पानी संगर रहा है फिर वो पतला नली द्वारा निकल गया। तो सब कुछ क्या है? एक नलियन है। तो जब जिससे पानी बहता उसे नली कहते हैं। उसी प्रकार जिसमें खाना रहता है उसको कौन बोलते हैं? आहार नाल। क्या रहते हैं? आहार नाल में कौन कौन आएगा? मुख गुहा ग्रास नली अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत मलाशय मल द्वार। कौन द्वार? को दिक्कत है? हो गया खत्म। उसके बाद एक बार आता है ग्रंथियां। क्या आती है? पाचन के लिए दो ये चीज है आहार नाले को ग्रंथी। तो ग्रंथी को था तीन गो मुहा में तीन गो कौन कौन पैरोटिड सबलिंगुअल सबमेंडिबुलर यही ने उसके आगे चले थे। तो यहाँ पे एक मिला था अमाशय में जो कि जठर ग्रंथी था। कौन ग्रंथी था? फिर इसके नीचे था अग्नाशय में है कि नहीं जिससे निकला था एलेक्टिक नामक एंजाइम निकला था कि नहीं? फिर निकला था यकृत। यकृत से निकला था पीत। क्या निकला था? उसके नीचे आए थे छोटी आंत। छोटी आंत में निकला था आंत्रस। कौन रस?
फिर आया बड़ी आत, बड़ी आत में निकला म्यूकस और बिलरुबिन, म्यूकस और हो गया खत्म। इतनी चीज तो पढ़े हैं, कोई दिक्कत किसी को? पूरा क्लास में बताओ किसी को कोई दिक्कत रहा तो बोलो। एक घंटा पढ़ावे के लिए ने 5-6 घंटा पढ़े पड़ता है, पर इतना बढ़िया कहानी लग रहा है कैसे कहानी ने कितने दिले होगा आए? कोई चीज कहानी सेटअप रहता है रे? किताब में पढ़ के देखो ना एक बार, दिमाग घुरा देगा। अब देखो तुम लोग पूछ सकता है कि भैया उल्टी का है, वो होता है कि नहीं, पहचाने से रिलेटेड है। तब हमारे द्वारा, हमारे अचर कचर खाना खा लेने के कारण, अचर कचर खाना कहाँ पहुंचता है? अमाशय में। कहाँ पहुंचता है? अमाशय में। जैसी पहुंचता है तो अमाशय सबसे पहले इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। कौन छोड़ता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर कोई असर नहीं करता, कोई असर नहीं करता है। तब अंदर में सब मीटिंग बैठाता है, कौन कौन? अमाशय, छोटी आत, बड़ी आत, यकृत, अग्नाशय, जितना सब मीटिंग बैठाता है। की करता है कि पता नहीं बकलोलवा की खा लो, कोई पता नहीं बकलोलवा, हमको उल्टी नहीं लग भी रहा है, सुनो, पता नहीं बकलोलवा की खा ललको है, ये कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी काम नहीं कर रहा हो, और सबसे हार्ड कौन है? ईन है। तब ये सब बोलता रे बकलोलवा, जब ये काम नहीं कर रहा हो तो अंदर में काम होता है, तो सब मिलकर कहता है एक साथ, जने से लो ओकरा उन्हें भगा दे, जने से लो उन्हें सब मिलके एक बार दम लगा के ऐसा करता सब पूरी तरह सब मिलके एक बार दम लगाता है, रेडी ऐसा करता, एक दो कि नहीं? सब मिलकर जब दम लगाता है, जब सब दम लगाता है तो जितना अचर कचर रहता है सब क्या हो जाता है? बाहर। यही से होता है उल्टी। क्या होता है? फिर एक कॉमन क्वेश्चन अब, केवल ढकार कहाँ से आता है? कि नहीं जाना चाह रहे हो? छोड़ दे, ढकार कहाँ बनता है, गैस कहाँ बनता है, सब जानना कॉमन चीज है कि नहीं? तो सुनो, ढकार कहाँ बनता है? सुनो, ढकार बनता है भी अमाशय में। क्या बनता है? अमाशय क्या होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम करते रहता है, काम करते है? तो तुम लोग को पढ़ाए थे कि कहीं पर भी अम्ल काम करेगा तो वहां कोई ना कोई गैस बनेगा, जिसे धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया CO2 गैस, ऐसा करता है कि नहीं? तो जब जब अंदर में भोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जो गैस बनता है वही ढकार के द्वारा क्या आ जाता है? बाहर। अब बोलेगा गैस कैसे बनता है कि नहीं? तो गैस मुख्यतः या तो मलाशय में बनता है या फिर छोटी आत में बनता है। छोटी आत वाला गैस ज्यादा उपयोगी नहीं रहता है, सबसे ज्यादा बनता है मलाशय में। क्या बनता है? मलाशय में क्या था? कचरा था। क्या था? तो कचरा को तुम जब अगर रख ले रह जाते हो तो उसमें एक बदबू देने लगता है कि नहीं? अभिक्रिया करके उसमें एक गैस बना लेता है कि नहीं? उसी प्रकार हमारा मलाशय में भी जो कचरा है वो अभिक्रिया करके संगठित होकर वहां पे एक गैस बना लेता है। क्या कर लेता है? गैस बना लेता है, और जिसके कारण देखता है कचरा का भी गंध बहुत खराब होता है कि नहीं? तो इसका भी गंध खराब होगा कचरा, कॉमन सी है, इसको गंध नहीं दुर्गंध बोलते। क्या बोलते हैं? दुर्गंध। कोई दिक्कत है? तो फिर इसको भी निकाल दिया, तो बताओ और किसी को दिक्कत है? पूछो, सुनो, और कोई दिक्कत तो बोलो। ढेर आशा दिए कि और सुनो आप कुछ अन्य बातें, कौन बातें? देखो अन्य बात में याद रखना, सुनो, खाना कुछ इंपॉर्टेंट बातें, खाना खाते समय खाना कहीं सोचना नहीं चाहिए, खाना खाते समय कुछ दूसरा चीज सोचना नहीं चाहिए। इसका आंसर देंगे अगला चैप्टर में, काहे का इसका आंसर देंगे अगला चैप्टर में, जिसके कारण हम लोग कहता है हिचकी। क्या आता है? हिचकी आता है खाना खाते समय ककरो ख्याल में डुब्बल, ककरो ख्याल में डुब्बल। यहाँ पर पाया जाता है एपिग्लोटिक्स, पाया जाता है कि नहीं? इसके बारे में अगला चैप्टर में बताएंगे। पहला बात, खाना खाते समय क्या नहीं करना? कुछ सोचना नहीं। दूसरा बात, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, खाना खाते समय पानी नहीं। आप बोलो ये का है? तो बताओ नुनू, खाना खाला के बाद तुरंत कुल कहाँ जा रहा था? अमाशय में जा रहा था कि नहीं? अमाशय में एक रस निकल रहा था,
आमास कौन रस आम अति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन अम्ल ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पहले पन छुछुर था हाँ। अब इसमें और तुम पानिया मिला दोगे तो फिर बताओ काम कर पाएगा कोई चीज में ज्यादा पानी मिला दोगे काम कर पाएगा तुम जितना तेल खाएगा वो पनिया के ऊपर में तैरे लगेगा और जितना खनवा रहेगा कुल नीचे में बैठ जाएगा बीच में पनिया आ जाएगा बोलो पच पाएगा जितना अम्ल रहेगा कुल तैरे लगेगा जिसके कारण हमारा अम्ल जो होता है पंचुछुर हो जाता है क्या हो जाता है पंचुछुर में तो समझता है पनिया की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो कम से कम अगर तुमको ज्यादा कसके प्यास लगा ले तो खाना के दौरान आधा गिलास पियो को गिलास आधा गिलास फिर एक घंटा जब हो जाए आमलापन एक घंटा में काम कर लिया होगा कि नहीं उसके बाद ही चल जाता बैठे ले चल जाता है कि नहीं तो जब तुम एक घंटा पार कर देखो घंटा तो फिर ढकच के पानी पी लो ढकच के समझता है नहीं हाँ एक घंटा बाद आयरन रहेगा लेकिन एक घंटा में आम्ल मिलेगा या कि नहीं अभी तुरंत में अगर तुम पनिया पी लेगा तो आम्ल मिल पाएगा भोजन में फिर काम कर पाएगा नहीं कम से कम को घंटा बाद खाना खेल के एक घंटा बाद अगला बात एक बात और यहाँ रखो कि खाना खाने का अंतराल कम से कम 5 घंटा बाद होना चाहिए एक बार खाना खेला के बाद को घंटा बाद खाना चाहिए काहे कि इतना से इतना पचे में लगभग 5 से 6 घंटा लगता है को घंटा बोलो इससे नुकसान की है तो नुकसान ये बात के है कि जैसे तुम इसमें खाना देते हो ना तो दिमागवा अलबला आ जाता है क्या हो जाता है कहता है खाना ए लो कोची ए लो मतलब अब ककर काम करे बारी ए लो पेट के तो जितना खूना है सब कहना चल जो पेट भीड़ किसके पास पेट के पास चल जाए तो सब खून किसके पास चलाता है पेट के पास जगह कारण दिमाग भी थकल नियन लगता है देहघात भी थकल नियन तो तुम लोग देखता होगा खाना खाने के बाद नींद आता है आता है कि नहीं कारण की है सब खूना कहाँ चल गया पेट के पास इन्हें जरी मनी बचा तो इन्हें जब खूने ने तो ककर कमी ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन की कमी मतलब ऊर्जा की कमी और ऊर्जा की कमी मतलब नींद है कि नहीं तो जितना बार तुम खाना खेले जाओगे उतना बार कोची बन जाएगा नींद आएगा इसलिए कम से कम को घंटा बाद 5-6 घंटा बाद कोई दिक्कत है तो ये सब अन्य बातें में याद रखना चलो तो अब हो जाता मेरा पाचन पूरा खत्म मीनू पाचन मेरे ओर से पूरा खत्म ढकार आ रहा है अंदर में जो गैस बन रहा है वो बाहर आ रहा है आप बताओ देखो हुआ कि गए एग्जाम दिलाने एग्जाम दिलाक निकले तो फिर पता है क्या हुआ एगो गए थी होटल होटल में ने लड़की परोस रही थी परोसे वाली के थी लड़की हाँ तो पहले 2 समोसा लिए आए तो 2 गलिए ने तो हम लोग कैसे देख रही थी कि कैसे भिखमंगा आए दिए समोसा खिल के इज्जत प्रतिष्ठा में 4 गो और खा गए अब इज्जत प्रतिष्ठान तो खा लिए अब धकरवा आता है लगता है गुमसैना नियन समझ रहे हो ने कि अब धुमैना नियन अब कुल मिलकर मीटिंग बना रहा है पेट वाला कुल क्या कर रहा है मीटिंग कर रहा है किसको क्या करो बाहर करो तो समझ जाए कहीं पर भी ककरो देख के अपन इज्जत अथी मत बदलो आए हमको नुकसान भी हुआ पैसा भी नुकसान गया समझ रहे हो ठीक है आगे आप बताओ किसी को हाल किसी को एक को पैसा पूरा मुंह से लेके अमाशय तक सॉरी मलाशय तक किसी को दिक्कत है बोलो तो एक हिसाब से तुम अपने शरीर के बारे में बहुत अंग जान गया होगा कि नहीं कोई दिक्कत है अब तो अगला चैप्टर में मिलेंगे कहाँ पे श्वसन में कहाँ मिलेंगे आप लोग का अगर नोट्स चाहिए अगर तुम लोग को भी कहीं दिक्कत रह गया तो वीडियो रिकॉर्डिंग है एक बार फिर से वीडियो देख लेना क्या कर लेना देख लेना ठीक है चलो मिलते हैं अगले क्लास में जिसको नोट चाहिए जाना कहाँ टेलीग्राम पे कहाँ जाना तब तक के लिए जय हिंद तब तक के लिए जय हिंद।